कहते हैं ना कि गलत फहमी का कोई इलाज नहीं, जहाँ गलत फहमी हो जाए वहाँ रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकते और रिश्ता एक दिन टूट ही जाता है। ऐसी ही कहानी है कहने को है हम सफ़र की सीजन 3 की। सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में अनन्या गलत फहमी की वजह से ही रोहित को छोड़कर कतर चली जाती है, जहां उसको अब 4 साल हो चुके हैं। अनन्या रोहित को छोड़कर गई थी तब वह प्रेग्नेंट थी। पूरी प्रेगनेंसी अनन्या ने अकेले ही हैंडल की और आज वह बच्चा 3 साल का हो गया है। इस बीच रोहित ने काफी बार अनन्या को मनाने की कोशिश की, लेकिन अनन्या रोहित पर ट्रस्ट नहीं करना चाहती। वह कतर में अपने बेटे और दोस्त के साथ रह रही है। वहाँ रोहित भी अब पहले जैसा नहीं रहा। जब अनन्या को छोड़कर गई थी उसने सारी प्रॉपर्टी अपनी माँ और बहनों को बांट दिया। अब उसका काम शराब पीना, लड़कियों के साथ रात बिताना, उन्हें डेट करना, बस यही बचा है। अगर अनन्या को अब तलाक चाहिए, हालात दोनों को एक दूसरे के सामने लाते हैं। पूजा जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, मोना पूजा में दरार आ चुकी है, लेकिन मोना के बच्चे और पूजा के बच्चे एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। कहानी में ट्विस्ट रोहित की नई गर्लफ्रेंड अमायरा के आने पर आती है, वहीं निक्की की शादी का माहौल है। इस बीच अनन्या और रोहित एक दूसरे के किस कदर सामना करते हैं, क्या दोनों एक बार फिर से एक हो पाते हैं, ये आपको शो देखने के बाद ही पता चलेगा। जानते हैं क्या अच्छा है इस वेब सीरीज में। इमोशनली टूटे हुए इंसान के रूप में रोहित अनन्या का स्ट्रगल और इस बीच पूजा जिसने अपने कई साल छोटे उम्र के लड़के से शादी की है, इन सभी उलझे रिश्तों को बेहद बारीकी से और गहराई से दर्शाने की कोशिश की गई है। परफेक्ट इमोशनल ड्रामा कह सकते हैं। बात करें वेब सीरीज के नेगेटिव पॉइंट्स की, तो इस शो में गंभीरता इस कदर दिखाई गई है कि मौज मस्ती के नाम मात्र का ही सीन है। कई बार इमोशन का ओवरलीड भी हुआ है। उन्हें कुछ हद तक कॉमेडी का छौक देकर काम किया जा सकता था। रोहित का यंग और मॉडर्न देवदास बनना कुछ दृश्यों में खटकता है और बनावटी सा भी लगता है। की स्टोरी आप लोग जब वेब सीरीज देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। मैंने अभी आपको ओवरव्यू दे दिया है। इस वेब सीरीज को आप G5 पर देख पाएंगे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हर एक लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।